आज मैं आप लोगों को प्रयोगात्मक भूगोल के बारे में बताऊंगा। इसमें चैप्टर नेम है गाल प्रक्षेप, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गाल प्रोजेक्शन। और आपको प्रश्न इस प्रकार पूछेगा, प्रदर्शक भिन्न एक संबंधी 20 करोड़ मापनी पर विश्व का मानचित्र बनाने के लिए एक गाल प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका प्रक्षेपांतर 15 डिग्री है। और इसको जानने से पहले मैं पृथ्वी का लघुत अर्धव्यास आपको जानना जरूरी होगी, इंच में और सेंटीमीटर में। और ये जो हम बताएंगे, पृथ्वी का लगभग व्यास होता है ये इंच और सेंटीमीटर में, ये होता है इंच में। ये होता है इंच, ये 25 करोड़ इंच में है पृथ्वी का व्यास, और इस सेंटीमीटर में भी बताता है 6'4". ये होता है सेंटीमीटर में। ये आपको जानना जरूरी है, ये होता है इंच में और ये सेंटीमीटर, 64 करोड़। इसके निकालने के बाद इसे हम इस तरह दिए गए मापक के अनुसार ग्लोब का अर्धव्यास निकालेंगे। ये देखते हैं, जो जिसे 20 करोड़ है आसानी से डिवाइड हो जाए उसी से हम पहले करेंगे। ये 64 करोड़ से आराम से हो जाएगा आसानी से। फिर इसको हम लेते हैं, फिर इसको काटेंगे, 2 जीरो से, 2 जीरो ऊपर का, 2 जीरो नीचे का, 2 जीरो ऊपर का, 2 जीरो नीचे का, 2 जीरो ऊपर का, फिर 1 जीरो नीचे का, 1 जीरो ऊपर का। ये फिर 20 हो गया और ये 64 बचा हुआ, तो फिर ये आ जाएगा, इसे आर भी लिखते हैं, 3.2 आ जाएगा, सेंटीमीटर में है। ये सेंटीमीटर में आएगा। काटने पे सेंटीमीटर आ जाएगा, ये 3.2 सेंटीमीटर आ गया पृथ्वी का अर्धव्यास। इसके बाद हम लोग स्केल की सहायता से खींचेंगे 3.2। ये मैं खींच लिया। खींचने के बाद हम लोग प्रकार की सहायता से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा। उसके बाद ये सीधे 80 डिग्री ये बना दें, खींच देंगे सीधे। ये इसका केंद्र है, केंद्र से इसको इस तरह खींच देंगे। इसे खींचने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ जिसका प्रक्षेपांतर 15 डिग्री है, तो हम लोग ये जो सर्कल अभी बना है 3.2 सेंटीमीटर का, उसमें 15 डिग्री का, 15 से 0 से 90 डिग्री तक 15 15 डिग्री का अंतराल पे खींच बना लेंगे कोण। ये रहा 15 30 45 60 75, और ये एकदम केंद्र से ही लेंगे बिंदु, केंद्र से ही आना चाहिए। ये 15 का है, उसके बाद ये 30 का है,
वैसे ऊपर खींचने के बाद सेम वही डिग्री 15-15 डिग्री का अंतराल लेके नीचे भी खींच लेंगे। ओके, इसको बनाने के बाद इसके बाद हम लोग अक्षांश रेखा को खींचते हैं। कैसे खींचते हैं आइए हम बताते हैं आपको। सब इससे पहले जानते हैं अक्षांश रेखा किसे कहते हैं और क्या होती है। ये समझ लीजिए आप, ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ साइड है, और ये जो एक ऐसे खींची जाती है रेखा, ये काल्पनिक है, इसे हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। इस तरह होती है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा देशांतर रेखा किसे बोलते हैं, पहले इसे समझिए। इसके बाद हम लोग सीधे यहाँ से इस साइड अक्षांश रेखा कैसे निकालते हैं, फार्मूले के हिसाब से निकालते हैं इसे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये 45 डिग्री अक्षांश रेखा की लंबाई। ये मैं 45 डिग्री इसलिए लिखा हूँ, लगभग लगभग ये जो प्रश्न है 15 डिग्री का अंतराल है, 90 डिग्री का मैं बनाया था। इसके बाद जो हम लोग वृत्त बनाए थे 3.2 सेंटीमीटर, यहाँ से 45 डिग्री, यहाँ से भी 45 डिग्री के मध्य को खींचते हैं। अक्षांश रेखा की लंबाई निकालने के लिए फार्मूला होता है, ये होता है 2πr cos 45 डिग्री। तो हम लोग ये 2 पाई का मान होता है 22/7 मल्टीप्लाई हो जाएगा आर, ये रहा 3.2। अकॉस 45 का मान होता है 0.7071। फिर अगर मैं इसको साफ करता हूँ तो 2, या अगर मैं इसे भाग देता हूँ 22 से तो आ जाएगा 3.14 × 3.2 0.7071, ये जो है कॉस 45 का मान है। इसके बाद अगर हम लोग गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1421, ये सेंटीमीटर में हम लोग निकाले थे सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हम लोग की अक्षांश रेखा है, ये 14.21 सेंटीमीटर आने के बाद हम लोग अक्षांश रेखा फिर खींचेंगे। यहाँ से 14.21 सेंटीमीटर का होगा, ये हम लोग यहाँ तक खींचेंगे। इसके पहले आप लोग को देशांतर रेखा भी खींचनी पड़ेगी 45 डिग्री वाली, यहाँ से यहाँ की। मैं भी ये भी बता देता हूँ कहाँ से ये कैसे निकालना है। जो यहाँ 45 डिग्री के मध्य में रहता है 90 इसके निकटवर्ती लेते हैं, 45 डिग्री के मध्य नीचे से ऊपर से भी और नीचे से, जैसे 15 डिग्री 30 डिग्री 45, यहाँ से एक देशांतर रेखा खींचेंगे और यहाँ से भी 15 30 45, इसके और इसके बीच में एक देशांतर रेखा। देशांतर रेखा मैं अभी आपको बताया हूँ कि अक्षांश रेखा किसे बोलते हैं। फिर ये ऐसे ऐसे अलग अलग देशों को बांटती है, इसी को देशांतर रेखा बोलते हैं। ये पृथ्वी का है, ये अक्षांश रेखा और ये वाला देशांतर रेखा बोलते हैं इसे। समझ में आ गया। इसके बाद मैं आपको एक देशांतर रेखा 45 डिग्री पे खींच देता हूँ, ये मैं 45 डिग्री पे खींच दिया। ये अपने हिसाब से अभी फोकस भी डालेंगे इस पे हम लोग। इसको खींचने के बाद देशांतर रेखा को, उसके बाद हम लोग निकाले अभी हैं अक्षांश रेखा 14.21 सेंटीमीटर की क्लाइन फिर खींच लेते हैं। यहाँ से खींचेंगे 14.21 सेंटीमीटर। आपको यहाँ से खींचनी 14.21 सेंटीमीटर, यहाँ तक आ जाएगी। इसको खींचने के बाद हम लोग फोकस डालते हैं इस पे, यहाँ से स्केल की सहायता से यहाँ पे ये जो यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, और ये 90 डिग्री की है सीधे, यहाँ से ऐसे ऐसे फोकस देंगे।
फिर ये यहाँ पे 75 डिग्री पे फिर फोकस देंगे हम लोग, ऐसे ऐसे ही ऊपर और नीचे भी कर देने हैं। इस तरह बन जाएगा। इसको ऐसे फोकस देने के बाद यहाँ जहाँ तक फोकस आई है इस लाइन तक ही लाना है, जैसे ये 15 डिग्री का अभी बाकी है, ला दिया। इसके बाद जो मैं 14.21 सेंटीमीटर की अक्षांश रेखा खींचा उसको खींचनी है वहीं से जहाँ तक ये फोकस है। फिर हम लेते हैं यहाँ से, ये वाली 90 डिग्री की है, ये यहाँ तक आएगी 14.21 सेंटीमीटर खींच देंगे। फिर ऐसे ही यहाँ ये भी खींच देंगे, ऐसे सब लाइन खींच देंगे। ओके, इसके बाद पूरा खींचने के बाद इस तरह का फिगर बन जाएगा। ये अक्षांश रेखा तो बन गया, ये देशांतर रेखा भी बाकी है बाकी। ठीक है, बताते हैं इसको कैसे बनाते हैं, कितनी दूरी होती है इसकी। इसको निकालने के बाद हम लोग कुल देशांतरों की संख्या निकालेंगे, कुल देशांतरों की ये फार्मूला होते हैं, कुल देशांतरों की संख्या और प्लस प्रक्षेपांतर। मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा क्वेश्चन में प्रक्षेपांतर कितना होता है। ये जो प्रक्षेपांतर है 15 डिग्री का है, और जो ये कुल देशांतरों की संख्या होती है वो 360 होती है, 360 होती है, और प्रक्षेपांतर है 15 डिग्री से भाग दे देंगे आ जाएगा 24 आ जाएगा, देशांतर आ जाएगा इतने 24। इसमें यहाँ से 14.21 अक्षांश रेखा तक 24 देशांतर लाइनें खींचनी है ऐसे सीधे सीधे, ये देशांतर बोलते हैं सीधे सीधे, और ये वाला अक्षांश है। ठीक है, आपको ये तो पता चल गया 24 इसमें देशांतर रेखा, लेकिन एक देशांतर और दूसरे देशांतर के बीच की दूरी कितनी होगी उसे हम निकालते हैं। देखिए ये इस तरह आपको लिखना है, 45 डिग्री अक्षांश रेखा पर देशांतर के बीच की दूरी, इसका भी फार्मूला होता है मैं अब भी बताता हूँ, 2πr cos 45 डिग्री, और ये होता है प्रक्षेपांतर। जो हम लोग को प्रश्न में दिया हुआ उसी को प्रक्षेपांतर है, ये है कुल देशांतरों की संख्या अभी हम लोग निकाले हैं। ये 2πr cos 45 डिग्री का मान कितना आया है यहाँ पे निकाले हम लोग, अक्षांश रेखा की लंबाई ये है, 2πr cos 45 डिग्री का मान है 14.21 सेंटीमीटर, तो हम इसी को डायरेक्ट ही लिख देते हैं, वही आएगा सेम लिख देते हैं 14.21 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद प्रक्षेपांतर, प्रश्न का भी प्रश्न में दिया हुआ है 15 डिग्री प्रक्षेपांतर, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रश्न में, ये देखिए प्रक्षेपांतर 15 डिग्री है, तो हम लोग 15 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। आइए कुल देशांतरों की संख्या मैंने आपको बताया 360 होती है, ये इसके नीचे 360 लिख देंगे, उसके बाद आ जाएगी कूड़ा करने के बाद 0.59 सेंटीमीटर में आ जाएगी, यानी इतनी आ जाएगी। ठीक है, अब तो आपको सब पता चल गया, 24 देशांतर होंगे रेखा होंगे और इसकी दूरी होगी 0.59 सेंटीमीटर होगी। अब चलो इसे बनाते हैं, खींचते हैं लाइन देशांतर रेखा। जो हम लोग लिए हैं आई दूरी बीच की दूरी आई 0.59 सेंटीमीटर आई, तो यहाँ से यहाँ तक लेंगे हम लोग, यहाँ तक की दूरी लेंगे। ठीक है, यहाँ से लेंगे, यहाँ से दूरी 0.59
5 9 5 9 यहाँ तक की दूरी यहाँ तक की आएगी। यहाँ पे मैं चिन्ह लगा लेता हूँ, इसके बाद खींच भी देता हूँ यहाँ तक। ऐसे खींच देना है इसको। खींचने के बाद फिर वही सेम दूरी यहाँ से लेंगे, यहाँ से फिर यही दूरी यहाँ पे लगाएंगे, फिर ये खींच देंगे। और इसी तरह आगे आपको यहाँ तक बनाते चले जाना है, 24 देशांतर बनाना है। ओके ठीक है, चलिए बनाते हैं। इस तरह बन जाने के बाद ये जो बाहर लाइनें आई हैं इसे मिटा देंगे इस तरह की भी। फिर यहाँ पे डिग्री लिख देंगे, कौन कितने डिग्री पे। ये वाली जो थी यहाँ से आई थी, यहाँ से आई थी, ये 90 वाली डिग्री थी, यहाँ तो 90 लिख देंगे ठीक है। और ऐसे ये कितने की थी, ये कितने की थी, ये कितने की है, ये कितने की है, कितने की है, ये कितने की है, 15 की। ऐसे ही नाम लिख देंगे, 15 डिग्री ठीक है। सबका ऐसे सामने लिखने के बाद नॉर्थ का डायरेक्शन भी देंगे ठीक है, साइड में देंगे। लेकिन इसके बाद यहाँ पे भी लिखेंगे 180, इसको भी 15 डिग्री का अंतर लेके पूरा लिख देंगे यहाँ तक। मैं बताता हूँ कैसे लिखना। फिर लिखने के बाद इसको फिर एक एक छोड़ देते हैं कि स्पेस ज़्यादा हो। 150 लिख देते हैं, 120 लिख देते हैं, ऐसे ही लिखते लिखते यहाँ तक 15 डिग्री का अंतराल होना चाहिए। भी लिखने के बाद 90 लिख देते हैं, इसके बाद 60 लिख देते हैं, 30 लिख देते हैं, उसके बाद 0 आ जाएगा, ये 0 डिग्री। फिर ये लिख देते हैं 30 डिग्री, ये मैं 15 डिग्री छोड़, 15 30 45 हो जाएगा, फिर 60 हो जाएगा, 75 90 हो जाएगा, ऐसे ऐसे लिखते चले जा रहे हैं। ओके, और जब आप लोग बनाएंगे इसको सफाई से, थोड़ा सफाई भी कर देंगे अच्छे से, और इसका नाम भी लिखेंगे, प्रजक मेन 1 संबंधी 20 करोड़ गाल प्रक्षेप, आपको पूरे अच्छे से तरीके। इसके बाद मैं अभी दिखाता हूँ आपको, आपको इस तरह से सफाई से एकदम बनाना है, इस तरह नाम भी लिखना है, गाल प्रक्षेप प्रदर्शक भिन्न ऐसे ही बनाना है। और इसके बाद इसको पेन से भी बनाया बनाना है, इस पे पेन दोहराना पड़ेगा आपको। ये सब ऐसे सेम सवाल को भी लगाना है ऐसे। कुल देशांतरों की संख्या 14.21 सेंटीमीटर, ये आया सही है कि नहीं है। मैं यहाँ से नाप लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से नापते हैं 14, देखिए आ गया है, ये वाली दूरी आपकी सही होनी चाहिए, 14.21 सेंटीमीटर। और इसकी डिस्टेंस भी मापी जाती है 0.59 सेंटीमीटर की, देखिए इतनी आएगी आपकी एक एक दूरी, सब नाप भी जाती है। उसके बाद इस पे पेन चलाया जाता है और सुंदर दिखने के लिए। ओके, ये सब आपको एक बार देख लीजिए, फिर इस तरह आपको हल करना है सवाल को। उसके बाद पेन चलाने के बाद इस तरह दिखाई देता है, उसके बाद आपको सवाल को भी दिखाना, ऐसे ही बन के तैयार हो जाएगा। ओके, तो आप बताइएगा कैसा लगा, अगर कुछ पूछना होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू।